वीडियो में आज आपको हम दिखाएंगे कि एचडीडी से एसएसडी में, मतलब एक लैपटॉप में एचडीडी लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, उसको हमें एचडीडी से रिप्लेस करना है। तो कैसे करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो ये विंडोज लैपटॉप है, तो इसको हम हार्ड डिस्क से इसमें एसएसडी लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। पहले इसका जो बैक पैनल है वो इसको हम रिमूव कर लेंगे। देखिए अंदर से इस टाइप से दिखता है। ये हमारी यहाँ पर हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसको रिमूव करके और यहाँ पर ये न्यू एसएसडी हमारे पास है डब्ल्यूडी की, तो इसको यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। गाइज आपको पता होना चाहिए कि हम हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस एसएसडी के मुकाबले कम होती है। इसलिए हम इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क निकाल कर एसएसडी लगा रहे हैं ताकि हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। अगर आप चाहते हैं हार्ड डिस्क भी लगी रहे और एसएसडी भी लगी रहे, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप दोनों ही लगा सकते हैं, लेकिन हम इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क निकाल कर एसएसडी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। स्क्रीन की बैटरी को भी रिमूव करना पड़ेगा। ये इसकी बैटरी है लैपटॉप की, यहाँ से स्क्रू है, इसको रिमूव कर देंगे। गाइस वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, और इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बहुत आसान प्रोसेस आप भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर, अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो। गाइस देखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं देख रहा हूँ, तो आप वीडियो भी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को देखते रहें। ये हमारी न्यू एसएसडी है डब्ल्यूडी की, इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। देखिए 480 GB की एसएसडी है ये साटा, इसको जो ये हमारी हार्ड डिस्क है इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे इसको। जिसका हार्ड डिस्क का ऊपर का पैनल था उसको हमने निकाल लिया है और इसको स्क्रू ड्राइवर से फिट कर देंगे। और जैसे हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई थी उसको एज इट इज ऐसे ही लगा देंगे, हमें कुछ नहीं करना। ये साटा पोर्ट होता है, तो जहां पर हार्ड डिस्क लगी हुई थी वहां पर इसको फिट कर देंगे। ये फिट कर दिए एसएसडी, जो बैटरी के स्क्रू थे वो भी लगा देंगे, सॉरी हार्ड डिस्क के भी लगा रहे हैं। बैटरी को इंस्टॉल कर देंगे।
तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें बैक पैनल इसका लगाना है। ये लिनोवो का थिंकबुक लैपटॉप है। वापस से स्क्रू को टाइट कर देंगे जो हमने स्क्रू निकाले थे। तो गाइस बहुत आसानी से हम किसी भी लैपटॉप की हार्ड डिस्क को एसएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, उसको निकाल के उसके साथ भी लगा सकते हैं। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।